नमस्कार दोस्तों, बस आप ही का इंतजार था। अंकित हेल्थ क्लब में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों जैसा कि थंबनेल को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं बाबा सिर के इलाज के बारे में। दोस्तों इसके पहले भी मैंने बाबा सिर से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अर्श कल्याण आयुर्वेदिक मेडिसिन का पूरा रिव्यू किया था। अगर आपने वीडियो को ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक और आप वहां पर जा करके वीडियो को पूरा देखकर नॉलेज ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ, हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनकी फरमाइश है कि अक्सर हो सके तो कोई ऐसा नुस्खा बताइए जो घर पर ही तैयार किया जा सके नेचुरल तरीके से और उसका इस्तेमाल करके बवासीर से निजात पाया जा सके। तो दोस्तों उसी कमेंट के आधार पर मैंने इस वीडियो को तैयार किया है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको बवासीर से निजात मिलेगा और आपको ढेर सारा जानकारी के साथ लाभ भी मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहली चीज़ क्वेश्चन उठता है कि बवासीर होता क्या है दोस्तों। तो वास्तव में देखा जाए तो बवासीर स्वयं में कोई स्वतंत्र रोग नहीं है फ्रेंड्स, बल्कि ये पुरानी कब्ज, दस्त या बार बार गर्भधारण करने से अधिक मेहनत व ऐसे कार्य जिससे लगातार बैठकर या खड़े होकर किया जाए, तो इन कारणों से मलद्वार में या मलद्वार के जो आसपास की नसों में सुकड़ाव व फैलाव आ जाता है जिसके कारण नसों के सिरे जो होते हैं वो फूल जाते हैं और मस्से का रूप धारण कर लेते हैं दोस्तों। और मल त्यागने में हमें बहुत ही दिक्कत होती है उन मस्सों के कारण। कभी कभी जोर लगाने पर मस्से छिल जाते हैं व रक्त बहने लगता है। इसके कारण बहुत सारी तकलीफें होती हैं बैठने उठने हर चीज़ में और जलन भी होती है दोस्तों। इसी को बवासीर कहते हैं फ्रेंड्स। तो आज इस बवासीर के इलाज के लिए जो नुस्खा मैं बताने वाला हूं दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो की तरफ चलते हैं और आसान तरीके से सीखते हैं कि कैसे इस नुस्खे को तैयार किया जाए घर पर ही और किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा जिससे ये नुस्खा तैयार होगा, साथ ही साथ क्या सावधानियां हमें बरतनी होंगी दोस्तों। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं वीडियो की तरफ और देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास पांच सामग्री है और इस पांच सामग्री से हम बनाएंगे घरेलू नुस्खा दोस्तों। हमें चाहिए होगा एक खाली डिब्बा जो कि आप किसी भी तरह से ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये खाली डिब्बा हमने ले लिया है जो कि आखिरी में हमें यूज़ करना है। उसके बाद हमने ले लिया है एक कटोरी दही जो कि आसानी से आप किसी भी जगह से खरीद सकते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, दही हमने ले लिया है, जितना आप खा सकते हैं उतना दही ले सकते हैं। उसके बाद एक लोहे की कढ़ाई हमने ले ली है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, और हमने ले लिया है नारियल के बाल यानी जुट। अब इसको देख सकते हैं किस तरह से हम यहाँ पर नुस्खा बना रहे हैं। साथ में हमने ली है एक आटे वाली छन्नी जिससे हम इस नुस्खे को छान कर निकाल लेंगे। तो देखते हैं किस तरह से ये आसान सा नुस्खा घर पर बनाया जा सकता है बिना एक भी रुपया खर्च किए हुए और बहुत ही आसान तरीके से। मैं पूरा यूज़ करने का तरीका भी बताऊंगा, साथ ही साथ ये नुस्खा कैसे बन रहा है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट करिएगा और ढेर सारा प्यार देते हुए अपना सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों नुस्खा बनाने के लिए हमें ये नारियल का जो बाल है या जुट जिसे कहते हैं इसे हम ले लेंगे और लेने के बाद इसे कढ़ाई में रख देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद माचिस की तीली से इसे हम जला देंगे। फ्रेंड्स देखिए किस तरह से मैं इस नुस्खे को बना रहा हूँ, आप भी चाहें तो आसान तरीके से घर पर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि ये जलने लगा है, तो इसमें हमने आग लगा दी और ये जलने लगा है। अब ये कढ़ाई में इसी तरह से जल जाएगा और साथ में हमें जो और जुट है उसको भी जला देना है। तो अब जैसे कि जलने लगा है तो जलते हुए जुट के ऊपर हम इसको रख देंगे ताकि ये सारा जुट जल जाए। तो फ्रेंड्स हमने सारे जुट को एक साथ रख दिया है कढ़ाई के अंदर और जलने लगा है हमारा ये जुट और अब हम वेट करेंगे कि ये पूरा जुट जलकर राख हो जाए। लेकिन ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि हम लोग जुट को जलाते समय धीरे धीरे उसमें हवा देते रहेंगे ताकि वो पूरी तरह से जलकर राख हो जाए और महीन टुकड़ों में परिवर्तित हो जाए। तो ये जो राख के रूप में इकट्ठा हो जाएगा, देख रहे हैं मैं यहाँ पे हल्की हल्की हवा देता जा रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी जलता जाए दोस्त फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बताऊँ मैं कि ये सबसे अच्छा और कारगर नुस्खा है और इस नुस्खे के माध्यम से कम 50 लोगों के ऊपर इसका इस्तेमाल किया है और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले, 100% रिजल्ट देखने को मिले मुझे। और फ्रेंड्स ये बहुत ही आसान सा आयुर्वेदिक नुस्खा है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसके माध्यम से बवासीर का इलाज संभव है फ्रेंड्स।
पूरा ठंडा होने के बाद फ्रेंड्स अब हम इसे किसी भी अदरक कुन्ने वाले या किसी भी अन्य पदार्थ जिससे आप इसको कूट सकते हो इसे कूट लीजिएगा। देखिए मैं इसको कूट दे रहा हूँ एकदम महीन महीन। पूरी तरह से कूट कर हमने इस नुस्खे को बारीक कर लिया है। राख को अब छन्नी के माध्यम से किसी बर्तन में छान लेंगे और हमारा नुस्खा तैयार हो गया है दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो इसे आप कभी भी यूज कर सकते हैं। तो अब इस नुस्खे को हम छानने के बाद जो हमारी मोटी दाने निकल रहे हैं उसे छन्नी के माध्यम से फेंक देंगे और जो बारीक हमारा प्लेट में निकल गया है उसमें से एक चुटकी निकाल कर अपनी दही में मिलाकर रेगुलर इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स। तो दोस्तों सावधानी की बात करें तो आपको सबसे पहली चीज़ ये नुस्खा सुबह और शाम जब भी आप चाहें जब आपको टाइम मिले तो एक बार चुटकी भर लेना है। जैसा कि मैंने नुस्खे में बताया कि किस तरह से आप इसको मिश्रण तैयार करेंगे और फिर इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद रही बात सावधानियों की तो फ्रेंड्स आपको बाहरी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। तली भुनी और मसालेदार चीज़ें बाहर की नहीं खानी है। जितना ज़्यादा हो सके गर्म पानी या ठंडे पानी का ही सेवन करना है। सुबह के समय ज़्यादातर गर्म पानी का ही उपयोग करें और दिन भर में जितना ज़्यादा हो सके पानी का प्रयोग करें फ्रेंड्स। तीसरी चीज़ फ्रेंड्स आपको लाल मिर्च और कश्मीरी मिर्च का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। हर चीज़ में हो सके तो हरी मिर्च का ही सेवन करें और कम तीखा खाने का प्रयास करें फ्रेंड्स। ये सारी चीज़ें करने के बाद बिल्कुल निश्चित रूप से आपको बवासीर के इलाज में काफ़ी राहत मिल जाएगी। दोस्तों आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो सबसे पहले तो अगर पसंद आती है वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और ढेर सारा कमेंट करके और भी बीमारियाँ जिनके बारे में आपको इलाज नहीं मिल रहा है नुस्खे नहीं मिल रहे हैं कमेंट में हमसे पूछेगा ताकि हम आपको बेहतर नुस्खे बता सकें आसान नुस्खे बता सकें और सस्ते नुस्खे बता सकें जिससे आपका इलाज संभव हो सके और आप स्वस्थ और मस्त रह सकें और आपका टाइम और पैसा सही जगह पर इन्वेस्ट हो सके। दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके हमारे चैनल को और हमारे वीडियोस को शेयर करिएगा ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से ढेर सारी जानकारी लेकर के स्वस्थ और मस्त रह सकें और साथ ही साथ अपना इलाज स्वयं के माध्यम से कर सके दोस्तों। क्योंकि हमारे चैनल का एकमात्र उद्देश्य है लोगों को आयुर्वेद के प्रति जागरूक करना ताकि आयुर्वेद को अपना कर वे स्वयं का इलाज स्वयं के माध्यम से कर सकें और स्वयं के चिकित्सक बन सके दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और फिर मुलाकात होगी। स्वस्थ रहें मस्त रहें। जय हिंद जय भारत।